हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लवली लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल बी नेचुरल बी प्योर पे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ इस बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ढेर सारा लाइक जरूर कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कि वीडियो आपको बहुत 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 पसंद आने वाला है। गुलाबों से निखार पाने के लिए टोनर, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही, जो थंबनेल पर आपने जो आज पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। टोनर जो आपकी स्किन को फेयरर बनाएगा, तो इसके लिए हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत है जो आपके घर में बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा, आपके गार्डन में अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए, ये मैंने लिया है, जो मैंने बनाया आपको ये वाटर फॉर्म में दिख रहा है। ये कुछ नहीं किया, बस आप एक पैन में एक ग्लास पानी लीजिए और उसमें तकरीबन 15 से 20 पेटल्स जो है, पंखुड़ियाँ जो है देसी गुलाब की डाल करके उसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉयल करिए लो फ्लेम पर, और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो इस कलर में आपको ये पानी आपका बदल जाएगा। फिर आप इसको स्ट्रेन करके निकाल के अलग रख लीजिए। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट्स में चाहिए, आप 1/4 यानी 1/4 कप आप पानी लीजिए और उसमें 1 टी बैग ग्रीन टी का डाल दीजिए, और उसको जब तक उसका सारा एक्सट्रैक्ट उस पानी में आना जाए तब तक उसके लिए उसको भिगो कर रख दीजिए। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा हो गया ये ग्रीन टी वाटर। तीसरा हमारा सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर। आप कोई सा भी रोज़ वाटर ले सकते हैं, मैं यहाँ डबल गुलाबनी का ले रही हूँ। देन हम इन तीनों चीज़ों को, ये हो गया हमारा जो हमने रोज़ के पेटल्स को बॉयल करके ये वाटर बनाया है, देन हमारी ग्रीन टी का पानी वाटर, जो ग्रीन टी हमारी है, और ये रोज़ वाटर, इन तीनों को हमें क्या करना है कि एक स्प्रे बॉटल आप लीजिए और इसमें जो है तकरीबन 3 टेबलस्पून आप लेंगे ये सिर्फ रोज़ वाटर की जो हमने बनाया है, और इसके बाद हम 3 टेबलस्पून लेंगे इस ग्रीन टी की, और जो जो इन दोनों का रेशो सेम होना चाहिए 3:3, बट हमारा जो रोज़ वाटर होगा लास्ट इंग्रेडिएंट उसका हमें अपने यूज़ करना है हमें तकरीबन 6 टेबलस्पून। आप इसको एक स्प्रे बॉटल में अच्छे से मिक्स करके और इसको आप रख लीजिए फ्रिज में, और जब मन चाहे आप इसको स्प्रे कीजिए, और फिर आप कुछ ही देर में देखेंगे आपकी स्किन टोन तो होगी, प्लस आपका जो स्किन का टेक्सचर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगेगा और आपको एक फेयर लुक मिलेगा, वो भी पिंकिश ग्लोइश वाला, गुलाबीपन आपकी त्वचा में आएगा। तो आप इस टोनर को बनाइए और इसको ज़रूर यूज़ करिए, और मैं आपको 100% आपको ये मैं दावा देती हूँ कि ये टोनर जो है आपकी स्किन को टोन तो करेगा प्लस आपकी स्किन को फेयर भी करेगा। तो प्लीज़ इसको बनाइए, यूज़ करिए और मुझे कमेंट करके अपने जो अनुभव है उनको शेयर करिए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ जितने भी सोशल मीडियाज़ हैं उस पर ज़रूर इसको शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।